जय हिंद बच्चों, डीएनजी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में जो हम लोगों ने फर्स्ट से लेके 3 तक क्वेश्चन कर लिए, अभी हम लोग फोर्थ वाला देखते कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखे रखा है, निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। मतलब दो आपके पास में समुच्चय देके रखे है, ए में देके रखे ए बी सी डी और बी देके रखा डी सी बी ए। ये है पहला क्वेश्चन आपके पास में, ये ए का मान है और ये देके रखा है क्या बी का मान आपके पास में, ये देके रखा है। आपको ये बोला है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। बराबर से मतलब क्या होता है कि आगे पीछे हो सकते हैं समुच अवयव, पर एक जैसे होना चाहिए। तो ए में क्या देके रखा है, ए बी सी डी है, इधर साइड में देके रखा है डी सी बी ए, यहाँ ए है, इसमें भी ए दिख रहा है, ये बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी, इसमें डी, सारे सामने दिख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए बराबर है किसके, बी के। ये अपना आंसर बन जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4, 8, 12, 16 इसमें अवयव देके रखे, इसमें देके रखे 8, 4, 16, 18। हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं देके रखा है। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बराबर नहीं है किसके, बी के। ये बन जाएगा अपने पास में दूसरे का आंसर। तीसरे में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 एक समधन पूर्णांक है। क्या है देखो, 2, 4, 6, 8, 10 देख के रखा और इधर क्या है, समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक मतलब क्या होता है कि एक का जो मान छोटा है 10 या 10 से, और सम संख्या लेना धन पूर्णांक, मतलब 10 आएगा, 8 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, इधर भी वही देख के रखा, 2, 4, 6, 8, 10 और छोटा और बराबरी का चिन्ह है तो संख्या को भी शामिल किया जाता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां से ए बराबर आ जाएगा किसके, बी के, क्योंकि हमको यहां से दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है। इसमें भी सम धन पूर्णांक है और इसमें भी सम है, 10 या 10 से छोटे, तो 2 से चालू होंगे 10 तक जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 ये भी बराबर है। एक इस प्रकार है कि एक संख्या 10 का एक गुणज है, और ये देखो 10 का गुणज मतलब क्या होता है अपने पास में, इसके लिए बात करें तो अपने पास में देखे रखा है क्या है, 10 का गुणज मतलब 10 है, 20 है, 30 है, ये इस प्रकार से चल रहा है। ए का मान, बी का मान हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30 कंटिन्यू है। ये हमको यहां से ये भी दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि ये जो है इसके अलग गुणज चल रहे, इसके अलग चल रहे। तो हमारे पास में यहां से क्या आ जाएगा, अपन चौथे का आंसर देखेंगे तो चौथा आ जाएगा क्या, ए बराबर नहीं है बी, ये आ जाएगा चौथा। अब जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी देखते हैं, क्या बोला है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण से बताइए। युग्म समान है तो बताना है, ए में 2 और 3 देके रखा है, एक से स्क्वायर धन 5 एक धन 6, ये समीकरण देके रखा है। पहले इसको हल कर लेते अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास में, इसको यहां पे देख लेते, एक से स्क्वायर, देखो एस 6 गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए अपने पास, 5, तो ये आ जाएगा क्या, 3x + 2x + 6 = 0, यही बनेगा, 3, 2, 5, x हो जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा x + 3 + यहां से भी कितना निकलेगा अपने पास में, 2, तो x + 3 = 0, 1 निकलेगा x + 3 और 1 कितना आ जाएगा, x + 2, दोनों को 0 के बराबर लेंगे तो x के मान 1 आ जाएगा -3 और 1 का आ जाएगा -2, यही आएगा अपने पास में। एक बार 0 के बराबर लेंगे, प्लस का 3 उधर, एक बार 2 को लेंगे, इसमें धन के 2 और 3 है, इसमें ऋण के 2 और 3 आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर नहीं है b के, ये आ जाएगा इसका भी आंसर, क्योंकि बराबर है ही नहीं है। हमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि a और b जो है अपने पास में यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। दूसरा, एक से इस प्रकार है कि शब्द WOLLOW का अक्षर और b ये देके रखा है, a के जो अवयव देके रखे वो क्या है, उसको रिपीट नहीं लिखा जाता, तो क्या आ जाएगा, F, O, L और W, यही आएगा अपने पास A का मान। B का भी देके रखा है, F इसमें भी है, O है, L है, W, ये दोनों बराबर दिख रहा है हमको, तो यहां से क्या आ जाएगा इसका, A बराबर है किसके, B के, ये बन जाएगा अपना। यहाँ पे दो प्रश्न थे, पांचवा और छठवा देख लेते हैं। दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, एक जैसे समुच्चय कौन से, A के दिए 2, 4, 8, 12 देख लेते, किसी में दिख रहा 2, 4, 8, 12 नहीं है,
बी के साथ देख लेते हैं अपन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बी तो दिख रहा है हमको, एक दो तीन चार, तीन एक दो चार है, एक दो तीन चार, तो हमारे पास में एक तो मिल गया, बी बराबर है किसके, सी के, सी के साथ देख लेते हैं, चार आठ बारह चौदह किसी में नहीं है, डी तीन एक चार दो भी किसी में नहीं है, माइनस एक एक दिख रहा है, ई के साथ वाला, हाँ ई के साथ वाला भी हमको दिख रहा है, ई बराबर है किसके, जी के, ई बराबर है माइनस एक एक वाला, जीरो ए, जीरो ए नहीं है ना, बाकी कोई बराबर नहीं है, सिर्फ ये दो हमारे पास में जो है बराबर के है, बाकी कोई भी बराबर नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, चौथे का भी, पांचवे का भी और छठवे, तीनों के आंसर कंप्लीट। अब बाकी का जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।